हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाबिस। मोहम्मद इनायत। ओके, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक मलयालम फिल्म के ट्रेलर के ऊपर जिसका नाम है कोट्टायम शिक्षयम। कोट्टायम शिक्षयम, शिक्षयम शिक्षयम, पढ़ाई, शिक्षा। हाँ, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ, ओके। कुट्टुवम शिक्षयम, शिक्षयम, आई डोंट नो द मीनिंग। लेसन हो सकता है, लेसन। हाँ, हो सकता है। ओके, इसे डायरेक्ट किया है राजीव रवि ने और इसमें है आसिफ अली, सनी बेन। आसिफ अली का हमने रिसेंटली याद है कापा। हाँ, कापा मेरे हाँ, सनी बेन का भी रिएक्ट किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। लेट्स स्टार्ट। चोरी कर ले, केरला जाके चोरी कर ले। साला कितना लोग है तुम्हारे गैंग में? यूपी यूपी बतावा बतावा मादर चोत। नला अरर तो नहीं थी यार साजा तारी के ना डिप्रेशन वरने टलो सारे डेली करा मत। कौन से? अब हम दिल्ली से जर्नलिस्ट। जरा सर पुदिया ना टाइम ऑफ ऑकरेंस ने तोट्टो मुंबु वरे आयाल ओरे नंबर लेके വിളിച്ചി 23 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിരുന്നു। ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം നിന്നോട് പറഞ്ഞു। ഇല്ലോ ധനകൻസെ ജന്തെ ചോക്കി കേ ഏരിയ മേ 22 ഗാവ് ആതാ ഹൈ ഔർ സബ്സേ ബഡാ ഏരിയ ഹൈ ധനകൻസ്। ഒരു അണ്ടിയിലോ 670 ഗ്രാം സ്വർണ്ണവും 3 കിലോ വെള്ളിയും കിട്ടും। കള്ളക്കണക്കൊന്നും വേണ്ട, രേഖയിലുള്ളത് പറ. നമുക്ക് ഇവിടെ നാട്ടിലെ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി പിടിക്കാം। क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट, शिक्षा मतलब पनिशमेंट, हाँ, कोट्टायम क्राइम। ओके, व्हाट से दिस? पहली नजर में जब शुरू हुआ ये तो इट वाज मोर लाइक अ बिहारी ना इंटरोगेटिंग केरला क्रिमिनल, ऐसा कुछ लग रहा था। उसके अलावा द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवी और द होल नरेशन ऑफ द मूवी सीम लाइक वेरी ओल्ड अप्रोच ऑफ मूवी मेकिंग, ऐसा लग रहा था मुझे। देर वॉज नथिंग न्यू, ऐसा कुछ फ्रेशनेस नहीं दिख रही थी। ऑब्वियसली एज यू सेट के बहुत सारी चीज़ें प्लॉट को रिवील नहीं किया था मलयालम के ट्रेलर में, एंड देर इज ओनली लिटिल इन्फॉर्मेशन विच आई अंडरस्टूड एक्चुअली आफ्टर वॉचिंग मूवीज लाइक होम एंड ट्रांस। आई वॉच देम। यू वॉच ट्रांस? यस, आई वॉच ट्रांस इन ऑल दीज मूवीज। नाउ आई अंडरस्टूड के क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग। मैंने किस्तों में देखा ट्रांस, मैंने आधा आधा घंटा 15 मिनट से करके देखा मैंने। अभी पूरी नहीं हुई ट्रांस। Oh, amazing, it was amazing. I watched Home also. Now I understood ke how Malayalam movies are now being made and how their trailers are crafted. Ke they don't show anything else. And how Malayalam industry is now going through both the approaches. Ek hai old approach of movie making, very simplistic, very simple treatment, jo ki कौन सी मूवी दृश्यम को मिली थी, वेरी सिंपलिस्टिक ट्रीटमेंट। और सिमिलरली जैसे कि आपने बोला कि कैमरा शेकिंग नहीं होती, देर इज नो मच कैमरा शेकिंग, देर इज नो वेरी वेरी लिटिल नो जो एंगल होते हैं, एंगल्स बहुत ही नॉर्मल एंगल्स होते हैं, सस्पिशियस एंगल्स नहीं होते। तो वही हुआ होम के साथ, एंड दैट इज व्हाट आई कैन सी इन दिस ऑल्सो। टर्न्स आउट के सच ट्रीटमेंट मूवीज आर मोर बेटर। Here, I think this is inspired by any events or something like that. क्योंकि ये जो फीलिंग थी ना, ये बहुत रियलिस्टिक फीलिंग थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ इवेंट्स को उठा के उन्होंने इसको बनाया है। यू नो, इट लुक्स वेरी रियलिस्टिक बिकॉज जिस तरीके के यू नो जो बिहेवियर था पुलिस ऑफिसर्स का एंड ऑल्सो यूपी का जो बिहेवियर था, वो लोग आई थिंक वो लोग बहुत ही ऐसा दिखाना चाहते थे कि इट्स टाइप ऑफ अ रियल वर्ल्ड,
वो क्रिएट करने के लिए दे हैव यू नो मेक दैट या डेफिनेटली इट्स ये डेढ़ मिनट के टीजर ट्रेलर में हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते एज यू टोल्ड के मलयालम फिल्मों में वैसे होती हैं एंड यहाँ पर यू नो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखने गए तो एवरी वन इज डूइंग अ गुड जॉब देयर यू नो डायरेक्टर का काम भी बहुत अच्छा है बहुत सारे सजेशन शॉट्स लिए गए हैं एंड आई थिंक प्लॉट भी इंटरेस्टिंग ही है ग्रेट यू नो दिस गाइज पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम केरला ट्रैवल देयर आई थिंक वो लोग उनके बंदों को ढूंढने के लिए वहां पर आए हैं द थीव्स जो यूपी में इंटरोगेट कर रहे हैं ना उनको वहां पर ढूंढने के लिए वो आए हैं दे आर इंटरोगेटिंग सम सीन कि क्या हुआ था केरला से चोरी करके वो लोग वहां गए थे क्या चोरी करके गए थे एंड ऑल दोस थिंग हैपनिंग आई थिंक यहाँ से वहां तक ट्रैवल करके वहां से वो लेके आएंगे उनको एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट बट या गोल्ड के बारे में भी यहाँ डिस्कस किया गया है कि दे हैव you know stolen and go gold karke and yeah the interesting concept actually what do you think will it be very cliche jo hote hai normal hota hai wahi story ya fir kuch naya touch hoga ya fir naya definitely there will be something you know kuch naya hoga hi because jitna bhi mera experience hai malayalam filmon ke leke jo bhi teaser mein bahut kam excitement aur hype dikhta hai na उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट ऐसा रखते हैं जिसकी वजह से वो फिल्म बहुत ही बेहतरीन साबित हो रही है यू नो एज यू वॉच होम ऑल्सो होम को हमने जब ट्रेलर में देखा था इट वॉज वेरी सिंपल आई थॉट समथिंग एल्स बट व्हेन आई वॉच होम आई अंडरस्टूड कुछ और ही निकल के आ गया किल्ड इट या बिकॉज होम में हमने क्या सोचा था इट विल बी समथिंग ऑफ कोविड टाइम ये लोग सारे बंद हो गए वो घर से काम कर रहे हैं एंड यू नो फैमिली ड्रामा टाइप कुछ हो रहा है ऐसे वैसे बट कुछ और ही लेके और लेके चले गए वो लोग और कुछ और ही दिखा दिया उन लोगों ने आई थिंक द सेम थिंग विल हैपन हियर बिकॉज आई डोंट डाउट ऑन द मलयालम फिल्म के डायरेक्टर्स एंड मलयालम फिल्म के एक्टर्स एंड मलयालम फिल्म के प्लॉट्स आई थिंक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है मैंने अभी तक कोई खराब फिल्म देखी नहीं है मलयालम की इज इट यू नो होते होंगे शायद फ्लॉप फिल्में भी और खराब फिल्में भी तो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ एक यू नो फिल्में खराब हो जाती हैं आई रिमेम्बर मोहनलाल फिल्म बिग ब्रदर करके आई थिंक 2019 बहुत ही उसका हाइप क्रिएट हुआ था ट्रेलर को इसको वगैरह फिल्म बहुत ही खराब निकली थी और मलयालम ऑडियंस इज नॉट लाइक के सपोर्ट करेंगे दे वे क्लियरली सेइंग कि फिल्म देखो मत यू नो व्हेन आई वाज अ ट्रेलर एंड उसके बाद रिएक्ट किया था उसके बाद इसके सीन के ऊपर रिएक्ट किया था मैंने पुराने चैनल में तब क्लियरली जितने ऑडियंस ने मुझे ट्रेलर देखने के लिए बोला था ना उतने ऑडियंस ने मुझे कहा कि नहीं देखना फिल्म इट्स अ बकवास फिल्म एंड दैट्स दैट व्हाट मलयालम ऑडियंस इज दे डोंट ओनली सपोर्ट द एक्टर जब वो खराब काम करते तो खराब काम को बोलते भी वेरी एजुकेटेड पीपल नाउ आई अंडरस्टूड द काइंड ऑफ मूवीज व्हाट मलयालम इंडस्ट्री इज मेकिंग नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग के व्हाई दे आर मेकिंग सच मूवीज बिकॉज देयर इज डिमांड इफ यू डोंट गिव देम दे विल यू नो That's what the real consumerism is what we can see in Malayalam industry. जितनी क्लोज ग्रुप है वो हम बोलते हैं कि मलयालम के लोग ज़्यादा वो दूसरे लोगों से बात नहीं करते हैं इन्वॉल्व नहीं होते बहुत अपने में होते हैं बिजनेस भी हो तो एंड दैट एक्चुअली सेज कि वो कितनी क्लोज ग्रुप्स है वो क्या अपने थॉट्स हैं उनके कैसा कैसा वो जो थॉट्स होते हैं उनके और जो उनकी यूनिटी है उस चीज़ में कि कॉन्टेंट अच्छा दो तो कंज्यूम करेंगे और नहीं कंज्यूम करेंगे एग्जैक्टली देर इज़ नो गेटिंग अवे So yeah, this was an amazing trailer. Yeah. A nice BGM, nice camera work, and nice plot. I think very simplistic treatment. Simple, बहुत ही realistic था. Realistic. And concept भी. ये देख के मुझे एक film की याद आ गई. उंदा. It's a Mamoti's film. वो भी Amazon में है. उंदा. It's about the Naxals. Kerala की एक group वहाँ पर travel करती है. How they suffer. You know the same feeling यहाँ पर लगी मुझे जो police officers travel कर रहे थे and all. Yeah. So वो तो film आने के बाद देखने आता है. I think ये भी OTT पे आने वाली है. I think. I'm not sure. Yeah, so this was our reaction on Kottayam Kush. Sorry, Koshyam bol raha hu. Sikshyam. Kottayam Sikshyam. Rajiv Ravi. Yeah, by Rajiv Ravi. Shrijit. Shrijit Divakaran. Mere bhi ek mallu dost hai. Iska naam hai Shrijit. I think jitni bhi star cast hai na iski. The type of actors jin jo ki bahut bade bade naam nahi hai all the realistic actors I think Asif Ali Sunny Bhai Sharafuddin all these actors jo ki I think chun chun ke uthaya gaya the type of jaise ki home mein hame dekhne ko mile the you know the actors yeah so this was our reaction on Kottayam Sikshyam and thank you Yasin for suggesting us this unhone hi mujhe bheja tha ye yeah jaane se pehle channel ko subscribe kar lijiye notification bell ring kijiye for more entertainment oh yeah he told me this is based on a real events karke okay Now I got to know. Yasin told me it's based on the true incident. Karke. Yes. Okay. So yeah, जाने से पहले channel को subscribe कर लीजिए, notification bell ring कीजिए for more entertainment and you can follow us on Instagram जिसके लिए details हमने दिए हैं और आप हमारे official Kadak Reaction के page को भी Instagram, Facebook में follow कर सकते हो जिसके लिए details हमने description में दिए हैं. This is Mohit Chavis. Good night. Signing off.